कांग्रेस के सियासी योद्धा जिन्होंने उत्तराखंड में न सिर्फ भाजपाइयों को चारों खाने चित किया बल्कि पार्टी के अंदरूनी विरोध पर जीत हासिल करके बतौर मुख्यमंत्री राज्य की कमान संभाली। अपने करीबियों में हरदा के नाम से प्रसिद्ध हरीश रावत को राजनीति में उस वक्त बड़ी पहचान मिली जब उन्होंने 1980 में भाजपा दिग्गज मुरली मनोहर जोशी को हराया। हरीश रावत राज्यसभा में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। यही नहीं, मुख्यमंत्री बनने से पहले वह हरिद्वार से सांसद भी रहे हैं। छात्र जीवन से ही राजनीति में संघर्षशील रहे हरीश रावत ने जमीनी स्तर पर जनता से संवाद को तरजीह दी। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान रख हरदा बड़ी से बड़ी बात को बड़ी आसानी से कह जाते हैं। शायद यही वजह है कि आज उत्तराखंड कांग्रेस में उनके कद के बराबर कोई राजनेता नजर नहीं आता। सीएम की कुर्सी पर हरीश रावत की दावेदारी तो राज्य बनने के बाद पहली कांग्रेस सरकार बनने के समय से ही थी, लेकिन वे जब भी आगे बढ़े अपने लोग ही उनके रास्ते में कांटे बिछाते रहे, पर उन्होंने हार नहीं मानी और राज्य के सिंहासन के लिए करीब 12 साल तक उन्होंने अंदरूनी युद्ध लड़ा और जीत हासिल की। हरीश रावत को उस समय बड़ा झटका लगा जब कांग्रेस के 9 विधायकों ने विधानसभा में बजट पारित होने के दौरान अपनी सरकार के खिलाफ ही बगावत कर दी। बजट पारित कराते समय भाजपा विधायकों ने मत विभाजन की मांग की थी और इन 9 विधायकों ने उनकी इस मांग का समर्थन किया। इसके बाद राज्य में आई सियासी भूचाल को देखते हुए उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। प्रदेश कांग्रेस के बागी विधायकों ने हरीश रावत पर विधायकों को लालच देने और खरीद फरोख्त करने का आरोप लगाया। स्टिंग की एक सीडी जारी कर बागियों ने हरीश रावत पर पैसे की राजनीति करने की बात कहते हुए राज्य सरकार को तुरंत बर्खास्त करने की मांग उठाई थी। उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटाने के आदेश के साथ ही फ्लोर टेस्ट में हरीश रावत विजयी घोषित हुए। सुप्रीम कोर्ट में फ्लोर टेस्ट के परिणाम वाले दिन बंद लिफाफे खोले गए जिसके मुताबिक हरीश रावत के समर्थन में 33 और भाजपा के समर्थन में 28 वोट निकले। इसके साथ ही हरीश रावत ने एक बार अपने विरोधियों को चारों खाने चित कर फिर से सूबे की सत्ता पर कांग्रेस का हाथ मजबूत कर दिया। हरीश रावत के सियासी सफर पर गौर करें तो उनकी पहचान जमीनी नेता और कुशल संगठनकर्ता की रही है। राज्य से लेकर केंद्र स्तर तक उनकी पकड़ काफी मजबूत है। आशा करते हैं कि बतौर मुख्यमंत्री हरदा अपने बचे हुए कार्यकाल को विवादों से दूर रखेंगे और राज्य के विकास को तरजीह देंगे।